नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीवीवी और लूवीवी के बीच हुआ अनुबंध शोध और उच्च शिक्षा की बढ़ेगी गुणवत्ता। उच्च शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और लुम्बिनी विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध हुआ है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को लुम्बिनी विश्वविद्यालय पहुंचा। यहां दोनों विश्वविद्यालयों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध होने के बाद अब दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं शिक्षण कार्य के लिए एक दूसरे विश्वविद्यालय में जा सकेंगे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु एवं लुम्बिनी विश्वविद्यालय के बीच करीब 1.5 साल पहले MOU पर वार्ता शुरू हुई थी। दोनों विश्वविद्यालयों के कुलसचिव ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके उच्च शिक्षा की राह आसान कर दी। भाषा, पर्यटन एवं पुरातात्विक शोध के लिए छात्र छात्राओं को अब सुविधा मिलेगी। इसके तहत हिंदी, नेपाली भाषा, साहित्य, प्राचीन इतिहास, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन और धरोहर, संस्कृत, बौद्ध दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे तमाम विषयों पर शिक्षण, शोध और शिक्षकों के ज्ञान के आदान प्रदान पर समझौता हुआ है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव, कुल सचिव डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा, प्रोफेसर मंजू मिश्रा, प्रोफेसर सुशील तिवारी, डॉक्टर नीता यादव, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह, वित्त विभाग से मनीष एवं कुल सचिव के सहायक सत्यम शामिल रहे। मुझे विश्वास है कि लंबे समय तक दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक गतिविधियों और शोध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य चलता रहेगा। दोनों देशों के शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से शोध के क्षेत्र में, बहुत ही उत्थान की संभावना है। इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य है कि भारत और नेपाल के बीच बहुत घनिष्ठ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और नेपाल दो देश जरूर है, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। महात्मा गौतम बुद्ध ने भारत और नेपाल की आत्मा को एक करने में विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। उनकी शिक्षा के विचार इस एकात्मकता को बढ़ाने में विशेष भूमिका का निर्वहन करेंगे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।